of an architect cooks. आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार appetizer. बड़ा यूनिक सा appetizer है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है. देखने में जितना सुंदर लगता है, खाने में उससे भी ज्यादा स्वाद होता है. तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आज हम appetizer बना रहे हैं, जिसका नाम है the cheesy potato sticks, इसके ingredients क्या है. सो ये पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए वी नीड पोटैटोस. यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम्स बाय वेट है बॉइल्ड पोटैटोस का, जिसको मैंने बॉइल करके, पील करके एंड मैश करके रख लिया. दिस इज अराउंड अ मीडियम टू अ लार्ज पोटैटो, बट इट इज बेटर अगर इसमें आप बाय वेट लें तो रिजल्ट्स लाइक बाय वेट मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर्ड हैं. उसके साथ अगर 100 ग्राम्स पोटैटोस हैं, सो आई हैव 25 ग्राम्स ऑफ कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, 25 ग्राम्स ऑफ ग्रेटेड चीज विच इज 1 क्यूब नॉर्मली, अबाउट अ टीस्पून एंड हाफ ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर, सम रेड चिली फ्लेक्स, सम ऑरिगनो, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट टू टेस्ट. दीज आर द फ्लेवर्स वी विल बी यूजिंग. बिल्कुल सिंपल रेसिपी है. सबसे पहले हम लोग जो आलू है, बॉयल्ड आलू, उसको एक किसी बड़े बोल में हमने डाल लिया एंड देन इन गोज द चीज विद इट. चीजी पोटैटो है तो यू नो द पोटैटोज एंड द चीज. 100 ग्राम्स पोटैटोज है तो हमारे पास 25 ग्राम्स ऑफ चीज. उसके साथ आई एम पुटिंग इन ऑल द फ्लेवर्स, दैट्स द ओरिगैनो. आप फ्लेवर्स अपनी चॉइस से चेंज कर सकते हो, फील फ्री टू डू दैट. अ लिटिल ऑफ द ब्लैक पेपर पाउडर. सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि डू रिमेम्बर कि जो चीज है उसमें भी सॉल्ट है, उसके हिसाब से डालेंगे. एंड रेड चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से, वेदर यू वांट अ स्पाइसी मिक्स और अ नॉन स्पाइसी मिक्स. एंड देन सम कोरिएंडर, इफ यू हैव पार्सले यू फील फ्री टू यूज दैट, अदरवाइज कोरिएंडर वर्क्स जस्ट फाइन. इस सब को पहले हम लोग एक बार जेंटली मिक्स कर देंगे, सो दैट ऑल द फ्लेवर्स ऑफ द वेरियस स्पाइसेस एंड हर्ब्स मिक्स वेल विद द पोटैटोस. इन द मीन टाइम बिफोर आई स्टार्टेड द प्रोसेस, इसके तीन तरीके होते करने को. इसको आप डीप फ्राई कर सकते हो, इसको आप पैन फ्राई भी कर सकते हो, या फिर इसको आप ऑयल करके एंड बेक भी कर सकते हो. आज आई विल बी शोइंग यू द डीप फ्राइड मेथड. ये डाल के एंड देन वी पुट ऑल ऑफ दिस 25 ग्राम्स ऑफ द कॉर्नफ्लावर, विच इज अराउंड 2 टेबलस्पून्स ऑफ कॉर्नफ्लावर, ये हम लोगों ने इसमें डाल दिया. एंड देन वी अगेन गिव इट अ मिक्स. ये जब हम मिक्स करेंगे, ये आप ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो मिक्सचर है आपका, ये थोड़ा ज़्यादा स्टिकी हो गया, तो थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर अपना इंक्रीज कर सकते हो. बट नॉर्मली अगर आप बाय वेट ये लेते हो तो दिस वर्क्स जस्ट फाइन. बट फिर भी कभी कभी होता है कि आलू बॉयल करने में आपका स्टिकी हो जाए, इन दैट केस फील फ्री टू एड अ लिटिल मोर ऑफ द कॉर्नफ्लावर. नाउ वंस दिस कम्स टू अ गुड मिक्स, लाइक सब हमारा मिक्स हो गया, फोक का काम अब हो गया खत्म, अब हम नाउ वील यूज आर हैंड्स टू जेंटली काइंड ऑफ मिक्स एवरीथिंग वेल टूगेदर. आप सबको इतनी देर मिक्स करें ताकि एवरीथिंग स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर, लाइक यू नो उससे पहले ये नहीं छोड़ें. थोड़ा सा इट टेक्स अबाउट मे बी 30-40 सेकेंड्स एंड थोड़ा सा प्रेशर देके इसको मिक्स करें ताकि ये सारा कुछ एक होमोजेनस सा मिक्सचर बन जाए विच हैज कम टुगेदर वेल. नाउ वंस दिस इज डन, व्हाट वी विल डू, इधर आप कोई पॉलिथिन ले लें या यहाँ पे मेरे पास एक जिपलॉक है, आई टेक द जिपलॉक एंड ये जो पूरा मिक्सचर है ना, इसको मैं इस तरह से आराम से इस जिपलॉक के अंदर डाल दूंगी. न्यू ऑल ऑफ इट गोज इन. एंड देन व्हाट आई डू इज, इसको मैं इस तरह से अब शेप कर लूंगी विद इन द जिपलॉक. इससे क्या होता है कि इट बिकम्स मच सिंपलर टू काइंड ऑफ शेप इट इनटू द डिजायर्ड काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल दैट वी नीड. मेक श्योर दैट इट गोज राइट अप टू द एजेस ऑफ द जिपलॉक. नाउ वंस वी गेट दिस इवन काइंड ऑफ अ शेप, नाउ व्हाट वी डू इज, अब हम लोग इसको कट कर लेंगे जिपलॉक को. एंड ये हम लोगों का बिल्कुल एक अच्छा सा ब्लॉक हमारे पास आ गया. थोड़ा बहुत आप इसमें खोलने के बाद भी जैसा आपको शेप करना है, कहीं से अगर रह गया हो उसको आप शेप कर लें. अब एक बार जब ये हो गया तो अब हम इसकी लंबी लंबी स्टिक्स काट लेंगे. एंड ये जब हो गया हमारा तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्राइंग देम. लाइक आई टोल्ड यू, आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हो,
आप इसको अवन में बेक एंड ग्रिल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आज आपको डीप फ्राइड वर्जन दिखाऊंगी. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट फ्राइंग दीज लवली यमी वेरी इजी टू मेक चीज स्टिक्स. इनको डालने से पहले डू मेक श्योर दैट द ऑयल इज हॉट. बस एंड फिर हम धीरे से इनको ड्रॉप करते जाएंगे. डू नॉट ओवर क्राउड द काइंड ऑफ द यू नो कढ़ाई या पैन जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं. वी डोंट वॉन्ट देम टू स्टिक टू वन अनदर. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, विद इन अ मिनट और टू दे टर्न गोल्डन ब्राउन. बट शुरू में इसको आप मत हिलाएं. गिव इट अबाउट 30 seconds, 40 seconds बिफोर यू काइंड ऑफ फ्लिप देम. सो इन अबाउट 3 to 4 minutes ये आपकी देखिए एकदम क्रिस्पी हो जाती हैं एंड दे आर रेडी टू बी टेकन आउट. सो आई जस्ट टेक देम आउट ऑन अ पीस ऑफ टिश्यू एंड देन आई फ्राई विद द नेक्स्ट लॉट ऑल्सो. सो ये हमारा सेकेंड लॉट भी हो गया. लेट मी टेक दिस आउट एंड नाउ लेट मी शो हाउ वी विल सर्व दीज वंडरफुल वेरी क्रिस्पी चीजी पोटेटो स्टिक्स. आप चाहें तो इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन लेट्स मेक देम अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. सो व्हाट आई डू, आई विल टेक सम ऑफ दीज लिटिल शॉर्ट ब्रॉड ग्लासेस एंड मैं इस तरह से, आपके घर में कोई पार्टी है, बच्चे हैं, आप हर एक को बस ये इस तरह से एक एक ग्लास पकड़ाएं एंड योर स्टार्टर्स द वेरी टेस्टी स्टार्टर्स आर सॉर्टेड. यू डोंट नीड टू कीप सर्विंग देम एंड दिस इज हाउ आई लाइक टू सर्व देम. फ्रेंड्स वॉजंट दैट अ वेरी ईजी टेस्टी रेसिपी. इतने बढ़िया स्टार्टर्स और इसमें आप वो जो हमने आलू तैयार करके जो जिपलॉक में डाल के ब्लॉक बना के रखा वहां तक, या फिर काट के चीज स्ट्रिप्स जो हमने स्ट्रिप्स काटी वहां तक भी करके आप इसको फ्रिज में रख दो एंड जिस समय सर्व करना हो बस तेल झटपट गर्म करो एंड विद इन 5 minutes आपके ये सर्व होके गर्म गर्म तैयार हो जाते हैं. एंड इसमें चीज इतनी लोडेड होती है, इट्स अ वेरी नाइस वेरी टेस्टी थिंग फॉर द किड्स एंड ऑफ कोर्स एडल्ट्स एंजॉय इट इक्वली वेल. सर्व इट विद अ साइड ऑफ ग्रीन चटनी, विद टोमेटो सॉस, विद एनी काइंड ऑफ डिप, द चॉइस इज योर्स. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज रेसिपी. नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक टिप ऑफ द डे. जैसा कि आप सब जानते हो मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक टिप जरूर देती हूँ. आज का जो मेरा टिप है वो रिलेटेड है इन्वर्टर से. सो इन्वर्टर्स आर फास्ट बिकमिंग अ नेसेसिटी इन एवरी हाउस होल्ड बिकॉज एवरी टाइम पावर कट हो यू डोंट वॉन्ट द जनरेटर टू बी ऑन. अगर इन्वर्टर हो तो आपका काम फटाफट हो जाता है. लेकिन एक गलती जो हम लोग बहुत बार करते हैं, अगर हमारे इन्वर्टर का लोड मान लीजिए 300 वॉट्स या 500 वॉट्स है, तो हम क्या करते हैं कि घर में बस उतनी ही लाइट्स के पॉइंट्स उससे कनेक्ट करते हैं. दैट शुड नॉट बी डन. व्हाट यू शुड डू इज कि जितने लाइट पॉइंट्स हैं, पावर पॉइंट्स ऑफ कोर्स इन्वर्टर से मत कनेक्ट करें, पर जितने भी लाइट पॉइंट्स हैं वो आप इन्वर्टर से सारे कनेक्ट कर दो. सो दैट अगर आप एक पर्टिकुलर रूम में बैठे हैं, पूरा 300 या 500 वॉट्स आपको उसी रूम में यूज करना है, तो यू डोंट हैव दैट हैंडीकैप. आप फटाफट जाके बाकी सब रूम्स की कोई लाइट फैंस ऑन है तो ऑफ कर दें, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एंजॉय द लग्जरी ऑफ द इन्वर्टर व्हाइल यू आर सिटिंग इन वन पर्टिकुलर रूम. सो दैट्स द टिप ऑफ द डे. आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे अगेन एट 7 PM विद अ सिंपल झटपट मजेदार इंस्टेंट रेसिपी. टिल देन एंजॉय.